नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा की जयंती शुक्रवार को राजकीय महिला महाविद्यालय के सामने मनाई गई। इस अवसर पर रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल और भाजपा जिलाध्यक्ष अजय बंसल भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा सांसद ने पंडित श्रीराम शर्मा को नमन किया और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने मांग की कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर चेयर की स्थापना की जाए। इस संबंध में वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करेंगे। वहीं पंडित श्रीराम शर्मा की जयंती पर नेत्रदान जागरूकता शिविर भी लगाया गया। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। आज पंडित श्रीराम शर्मा जी स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा जी को पूरा देश याद कर रहा है और हर साल की भांति आज आईसी कॉलेज के सामने गवर्नमेंट आपके गर्ल कॉलेज के सामने पंडित जी के स्टैचू के सामने की मूर्ति के सामने सब ने उनको नमन किया, याद किया, जिसमें हर बिरादरी से हर तबके से लोग शामिल हुए। भाई रमेश हरियाणा जागृति मंच की तरफ से जो है प्रोग्राम रखा गया और आज इस तरह के कई प्रोग्राम पंडित जी के आश्रम में भी प्रोग्राम है, जज्जर भी प्रोग्राम है और कई तरह के प्रोग्राम जो आज रखे जा रहे हैं पंडित जी की याद में, और ब्लड कैंप भी रखा जाएगा और एक और भी नेत्रदान कैंप भी जो है ये लगाया जा रहा है, जिसमें सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और दिनेश शर्मा जी डॉक्टर मैडम वशिष्ठ जी कई डॉक्टर्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं और कई यादें पंडित जी की जो है आज ताज़ा हुई कि किस तरह से पंडित जी जो है कॉलेज में पढ़ते हुए बाल गंगाधर तिलक से मिले, मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता इसमें हिस्सा लिया और बहुत सारी बातें रही। और एक बात और भी उठी कि पंडित जी के नाम से पंडित श्रीराम स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम से यूनिवर्सिटी में एक चेयर की स्थापना होनी चाहिए, इस बात को भी हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का ध्यान रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी जैसे उनको पता लगेगा इस बात को भी वो मंजूर करेंगे। मैं दिनेश शर्मा सिविल हॉस्पिटल से हूँ और आज हम पंडित श्रीराम शर्मा की जयंती पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उजाला ग्रुप के सहयोग से एक नेत्रदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को जागरूकता के साथ साथ प्लेज फॉर्म भी भरवाए जाएंगे और सभी को सम्मानित किया जाएगा जो जो इसमें प्लेज करेगा। मेरा मेन मकसद है समाज को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना कि जैसे जैसे जो स्वतंत्र सेनानी है उनसे प्रेरणा लेकर जैसे समाज आगे चला था उसी के अनुसार समाज जागृत हो और जागरूकता के साथ साथ आई डोनेशन में हमारा और विभाग का सहयोग करें और हम निश्चित ही उस गोल को प्राप्त करेंगे जो कि एक छोटा सा बच्चा जिसने कभी जिंदगी को देखा नहीं सुंदर संसार को, वो नेत्रदान के बाद नेत्र प्रत्यारोपण के बाद नेत्र को प्राप्त कर सके, ज्योति को। हमारा ये प्रयास है और डिपार्टमेंट का, हमारे सिविल सर्जन का, सभी अधिकारियों का हमारा विशेष सहयोग है इसके साथ, पूरे समाज का है और हम निश्चित ही इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आज के कैंप की सफलता के साथ साथ जैसे कि पूरा प्रशासनिक वो हमारे साथ एम पी साहब जैसे ने भी इसमें शिरकत की तो उसके साथ साथ अच्छी बात है कि ऐसा सपोर्ट हमारे मिलता रहेगा और निश्चित ही हम आगे भी ऐसे ही जागरूक कैंप लगाते रहेंगे रोहतक के अंदर ताकि लोग मैक्सिमम रोहतक का एक मैसेज जाए पूरे हरियाणा में कि हाँ रोहतक में लोग जागरूक हो चुके हैं और स्वच्छता के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हम जागरूक होकर नेत्रदान में भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।